is Amina Ayub. I am from ADS Double Maths Computer Science. Today, I am going to discuss here the topic is about the classification of computer. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर की एडवांस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट जिस कदर हमारे समाज में हो चुकी है और जितने वो कॉम्प्लेक्स टास्क हमारे डेली बेसिस की बुनियाद पर वो कर रहा है, हम इसकी अहमियत को झुठला नहीं सकते। अब आज का टॉपिक मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में मैं जो टाइप्स एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो है पर्सनल कंप्यूटर, इनपुट
क्या है, साइज चेंज होता जा रहा है, एफिशिएंसी ज्यादा होती जा रही है, शेप्स चेंज होती जा रही है कंप्यूटर्स की. व्हाटएवर कंप्यूटर मीन मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह जो इंसान के साथ मूव कर सके. अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लेके जा सकते, उसके लिए तो हमें सॉकेट की जरूरत पड़ती थी जो हमने स्विचेस के अंदर लगाना था अपना चलाना. लेकिन पोर्टेबल इंसान है ना, इंसानी सोच है, वो चाहता है कि उसके लिए जितनी भी सहूलत पैदा हो वो उसको इजीली अवेल कर सकता है या उसको अवेल करे. अब लैपटॉप कंप्यूटर, अब इंसान जितना भी सफर कर रहा है इजीली उसको लेके जा रहा है, कोई मसला नहीं है उसको. रिचार्जेबल बैटरी है, जस्ट हमने स्विच लगाया उसको चार्ज किया और घंटों हमारी बैटरी चलती रहती है. इसी तरह पोर्टेबल कंप्यूटर्स में हमारे पास कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाते हैं लैपटॉप और टैबलेट्स. अब मैं आपको कुछ इसके व्यूज दिखाऊंगी, इमेजेस दिखाऊंगी ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके. ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर थी कि ये हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है. उसके बाद मैं आपको यहाँ से ये दिखाना चाहूंगी, ये देखें डिफरेंट काइंड ऑफ टैबलेट्स हैं, एफिशिएंसी ज्यादा है, शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज आ गया मजीद इसके, और इन्हीं बुनियाद पर हम कंप्यूटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. ये देखें आगे मजीद मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें लैपटॉप है लेकिन साथ उसकी एक्सटर्नल स्क्रीन है जिसको हम टच स्क्रीन के उसके साथ हम एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा सकते हैं. और बाज़ ऐसे होते हैं जो खाली टच स्क्रीन के साथ उनका काम चल जाता है. अगर हमने अपनी सहूलत के लिए अगर किसी बंदे को टच स्क्रीन नहीं इस्तेमाल करनी है तो वो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है इजीली. आगे मजीद मैं आपको दिखाती हूँ ये लैपटॉप की डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट एफिशिएंसी के साथ वो चीज़ हमारे पास आ रही है. तो हमें क्या मसला है कि हम नहीं आने वाली चीज़ को प्रेफर ना करें. और कंप्यूटर की प्रेफरेंस भी इसी बेस पे होती है कि कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे काम को परफॉर्म करके हमें दे रहा है. नेक्स्ट मैं आपको मजीद दिखाना चाहूँगी टैबलेट भी नहीं इस्तेमाल क्योंकि इनमें मेमोरी कम थी.
काम अब हमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज में चाहिए था, अब हमें गवर्नमेंट में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हमें चाहिए था जिसमें हम लोगों का सारा रिकॉर्ड रखें, जिसमें हम गवर्नमेंट का सारा रिकॉर्ड रखते हैं। नादरा में इस्तेमाल हो रहे थे जिसमें हम लोगों के आजकल नादरा में कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए हमें चाहिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अब ज़्यादा मेमोरी के साथ आ गए हैं क्योंकि ये हमारे हमें चाहिए बड़ी इंडस्ट्री में काम करवाने के लिए चाहिए थे, तो इस वजह से हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इंतखाब किया। उसके बाद हमारे पास एट दी एंड सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं। सुपर कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स हैं जो कि हैवी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं? सुपर कंप्यूटर्स जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स से क्या मुराद है कि ऐसे कंप्यूटर्स जो हमारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी वेदर फॉरकास्टिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं और मज़ीद हमारे एटॉमिक डिफेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने सारी इन चीज़ों का इंफॉर्मेशन लेना है तो हम इजीली कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इसमें हैवी डाटा स्टोर करता है, हैवी डाटा स्टोर होता है और इस वजह से हम इसको सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स में हमारे पास ये वेदर फॉरकास्टिंग में किस तरह से इस्तेमाल होता है? वेदर फॉरकास्टिंग में इस तरह से इस्तेमाल होता है कि अगर हमने तमाम एक आज के मौसम का सारा रिकॉर्ड देखना है, कल के देखना और नेक्स्ट मज़ीद एक हफ्ते तक का देखना है, तो हम सारा का सारा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एटॉमिक डिफेंस में अगर हमने कोई अपना एटॉमिक रिसर्च करनी है, लाइक आजकल हमें काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो सुपर कंप्यूटर्स में हम वेदर एटॉमिक डिफेंस में हम एटॉमिक रिसर्च हासिल करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेन इंडस्ट्रीज में हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ तक मेरी बात थी, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अभी तक हो चुकी है जिन टाइप्स में, वो सुपर कंप्यूटर्स तक थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। मेरी बात यहाँ पर।